कौमी शाहराह और मोटरवे पर धुंध का राज। धुंध के बाइस लाहौर से शेखपुरा तक मोटरवे बंद। गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, गाड़ी मुनासिब रफ्तार पर चलाए, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की हिदायत। सानहा साहिवाल में बड़ी पेशरफ्त, गोलियां सीटीडी एहलकारों ने चलाई, सबूत मिल गए। डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड डिस्क तब्दील किए जाने का इंकशाफ, फॉरेंसिक माहिरीन ने डिस्क तब्दील करने वाले का नाम बता दिया। असली डिस्क आती तो मालूम हो जाता, गोलियां चलाने का ऑर्डर किसने दिया। जो SMG राइफलें भेजी गई थी वो भी तब्दील थी। फॉरेंसिक एजेंसी ने हतमी रिपोर्ट से मुतलका हुकाम को भेज दी। आला अफसरान का पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला। GIT ने सानहा साहिवाल के मकतूल जिशान के भाई एहतशाम का बयान कलमबंद कर लिया। वाकये से मुतल्लिक सोशल मीडिया की वीडियोस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, फुटेज बनाने वाले अफराद के बयानात भी कलमबंद किए जाएं, एहतशाम का मुतालिबा। नए अस्पताल, नई बीमारी, दिल और गुर्दों के बाद नवाज शरीफ की कमर में भी दर्द। VIP कमरे की तैयारियां मुकम्मल ना हो सकी, हंगामी बुनियादों पर सीलिंग और तजीन व आराइश का काम। नवाज शरीफ का राज जिना अस्पताल की गायनी वार्ड में ही कायम, तिबी मुआयने के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नवाज शरीफ को बहुत निगहदाश्त की जरूरत है, नून लीग का ही नहीं सबका एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर आज़म की बहन के भी 40 अरब निकल आए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुशाहिदुल्ला परवेज मलिक बोले, नवाज शरीफ को एक दूसरे अस्पताल ले जाना ज्यादती है, PIC बनने में नवाज शरीफ का अहम किरदार है। नून लीग के कायद प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इलाज के लिए एक जामे और मुकम्मल बोर्ड तश्कील दिया गया है। आरिफ तजम्मुल को इंतजामी सरबराह होने की वजह से बोर्ड का सरबराह बनाया। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ पर सियासत नहीं करना चाहती, सूबाई वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। शरीफ बरादरान की डील हुई है या नहीं, कुछ तो है बातें हो रही हैं। वजीर आजम के दावे झूठ साबित हो रहे हैं, पहले गाड़ियां फरोख्त की अब किराए पर ले रहे हैं, जितने की गाड़ियां फरोख्त की गईं इतना किराया दिया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। जेल से जमानत पर रिहाई, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद उमड़ आई, शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। शहबाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंच गए। शहबाज शरीफ का आज अपनी वालिदा और नवाज शरीफ से मुलाकात का ऐलान। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। ख्वाजा बरादरान को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया जा रहा है। ख्वाजा बरादरान पर पैरागॉन हाउसिंग स्कीम से गैर कानूनी माली फायद लेने का इल्जाम है। ऑफशोर कंपनी के सलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी, नैब के हवाले। मुलजिम ने 9 रोज के रिमांड में कोई तावुन नहीं किया, नैब प्रोसिक्यूटर इस्तीफा दिया, वजीर नहीं रहे फिर भी कह रहे हैं कि तावुन नहीं किया, अदालत के रिमार्क्स। जायदाद की खरीदो फरोख्त में 1.5 अरब का फर्क आ रहा है, नैब प्रोसिक्यूटर के दलाई। अलीम खान वालिद से मिलने वाली रकम के जराए बताने में नाकाम रहे, तफ्तीश की रिपोर्ट। 2018 तक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं था, 11 साल ये क्या करते रहे, क्या पहले उन्होंने भंग पी रखी थी, अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। अलीम खान की पेशी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रश, धक्कमपेल, पुलिस के साथ झड़प, हाथापाई, एहतसाब अदालत के जज को भी पैदल आना पड़ा। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स तलब करना पड़ी, कारकुनों ने अलीम खान की गाड़ी को घेरे रखा। अलीम खान के तमाम असासे डिक्लेयर हैं, नैब ने जो बातें पहले दिन की 9 रोज बाद भी वही बातें कर रहा है, PTI रहनुमा शोएब सदीकी की गुफ्तगू।
चौधरी बरादरान का बैरून मुल्क जायदाद के इल्जाम पर नैप को चैलेंज। चौधरी बरादरान कहते हैं नैप पेरिस में जायदाद साबित कर दे, सारी जायदाद इनके हवाले कर देंगे। पेरिस जाने वाली नैप टीम के तमाम अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे। जायदाद का रिकॉर्ड के मुताबिक साबित हो गई तो प्ले बार्गिन करके हवाले कर देंगे। नैब हुकाम की पेरिस में जायदाद के हवाले से खबरों की तर्दीद। पेरिस में चौधरी बरादरान की कहीं जायदाद का जिक्र नहीं किया। तर्जमान नैब। डेपको में गैर कानूनी भर्तियों का मामला। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत 8 अफराद के खिलाफ केस। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन केस पर समाप्त करेंगे। एहतसाब अदालत में बयान कलमबंद करने के लिए गवाहान को आज तलब कर लिया गया। मुलजिमान पर नाहल अफराद को भर्ती करने के सियासी तौर पर नवाजने का इल्जाम है। जादू टोने की सरकार नामंजूर नामंजूर। फयाजुल हसन चौहान के कमरे से हड्डियां बरामद होने पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का इजहार तशवीश। अंदाजे गुफ्तगु बताता है कि चौहान पर हड्डियों का असर है। अगर हड्डी जादू वाली है तो फिर जादू करने वाले को सामने लाया जाए। हसन मुर्तजा का बयान। बुजदार सरकार में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल ना हो सके। डिप्टी डायरेक्टर ओवरसीज कमीशन के इमरास्ता ने कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को एलडीए से मुतालिक सबसे ज्यादा शिकायत। अजखुद नोटिस के केस में फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया जाए। बेंचेस में चारों सूबों से जजेस को नुमाइंदगी देकर बेंच में शामिल किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालिबा। लाहौर हाईकोर्ट बार के कश्मीर हॉल में इजलास। अदालती फैसलों से बरवक्त आगाही। वकला भी जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तफादा उठाएं। हाईकोर्ट बार में ई लाइब्रेरी कायम। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। हाईकोर्ट बार कयादत की जानिब से चीफ जस्टिस का शानदार इस्तकबाल। पांच खुली कचहरियों में शिकायत के हल की रिपोर्ट जारी। 340 दरखास्तों में से 128 पर अमल दरामद हो गया। 156 पर अमल दरामद जारी। डीसी सालेह सईद की दरखास्तों से मुतलिका इदारों को फौरी हल की हिदायत। शिकायत लेस्को वासा एजुकेशन सीओ हेल्थ समेत दीगर महकमों को भिजवाई गई। खुली कचहरी के लिए साइल क्लीन के लिए फोटोकॉपी और पीने का साफ पानी भी एहतमाम किया गया। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशंस की भी खुली कचहरी। सीसीपीओ को 12 दरखास्तें मौसूल। डीआईजी ऑपरेशंस को 18 अर्जियां दी गई। डीआईजी ऑपरेशंस बोले शहरी बिला झिझक खुली कचहरी में आए, अवाम के जानो माल का तहफ्फुज हर सूरत यकीनी बनाएंगे। इकबाल टाउन बदर ब्लॉक से 5 साल बच्चा पुरेसरार तौर पर लापता। 28 रोज गुजरने के बावजूद अजान वापस ना आया। वालिदान गम से निढाल। जिगर गोशे की तलाश के लिए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। अपार्टमेंट का मालिक अब प्लाट में भी हिस्सेदार होगा। मुल्की तारीख में पहली बार फ्लैट मालिकान को प्लाट में मालिकाना हुकूक मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने पंजाब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। कसीरुल मंजिला इमारत के मालिक की जानिब से कंपनी के नाम पर प्लाजा बनाया जाएगा। चार रोजा इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का आगाज। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बोली सेहतियामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम वीएन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा किया गया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में चिल्ड्रन आर्ट बैट मुकाबले। बच्चों के बनाए फनपारे भी नुमाइश का हिस्सा बने। मुल्क भर से 120 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। अदाकार शान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहरी वक्त बचाएं, लाहौर कलंदर्स के अलावा कोई मैच देखने ना आए। जिला इंतजामिया और पीएचए की मैचेस दिखाने से मुतालिक अनोखी मंतक। बड़ी स्क्रीनों पर सिर्फ लाहौर कलंदर्स के मैचेस ही दिखाए जाएंगे। और पंजाब लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में दो रोजा जश्न बहारा मेले का आगाज। पहले रोज पंजाब भर से खसूसी स्कूलों के बच्चों की शिरकत। पेंटिंग फैंसी ड्रेस शो और रंगारंग मुकाबले